आप बायोटिन सप्लीमेंट ले रहे हैं, देन स्टॉप, प्लीज स्टॉप। आप एक ऐसी विटामिन ले रहे हैं जो आपकी बॉडी में ऑलरेडी सफिशियंट अमाउंट में अवेलेबल है। कुछ रेयर कंडीशन को छोड़कर किसी भी इंसान में बायोटिन डेफिशिएंसी कभी होता ही नहीं है। आप हेल्थ सप्लीमेंट फॉर्म्स और जिम वालों के मार्केटिंग के जाल में फंसकर अपना पैसा अपने यूरिन या पेशाब में बहा रहे हैं। प्रॉफिट मेकिंग वेलनेस गैंग के चक्कर में एक ऐसा सप्लीमेंट कंज्यूम कर रहे हैं जिसकी आपको जरूरत है ही नहीं, जो आपके खाने में ऑलरेडी सफिशियंट अमाउंट में अवेलेबल है और आपकी बॉडी में फ्री में सफिशियंट अमाउंट में सिंथेसाइज भी हो रहा है। बायोटिन मैड मार्केटिंग स्ट्रेटजी का बेस्ट एग्जाम्पल है। पर अब आपको राइट गाइडेंस देने, आपको बेस्ट ट्रीटमेंट देने और आपके पैसे को बचाने में एडोन हेयर केयर आपके साथ है। पहले वीडियो देखिए, जानिए, समझिए, फिर राइट स्टेप लीजिए। हाय, आई एम डॉक्टर अशोक सिन्हा, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, हेयर एक्सपर्ट, एंड यू आर वॉचिंग इंडिया की मोस्ट ऑथेंटिक, ट्रस्टेड एंड साइंस चैनल एडोन हेयर केयर। जैसे लड़कियों के पास कपड़े की कमी नहीं होती है वो लेकिन कपड़े खरीदती रहती हैं, वैसे भी हमारी बॉडी में कभी बायोटिन की डेफिशिएंसी नहीं होती है लेकिन कभी अमेज़न, कभी फ्लिपकार्ट, कभी इंटरनेट, कभी जिम इंस्ट्रक्टर, कभी वेलनेस फॉर्म के मार्केटिंग के इन्फ्लुएंस में आकर हम लोग वैरायटी वैरायटी के बायोटिन खाते रहते हैं। कभी 30 माइक्रोग्राम, कभी 100 माइक्रोग्राम, कभी 1000, तो कभी 5000 MCG, इवन मार्केट में 10000 MCG तक का बायोटिन अवेलेबल है। MCG और माइक्रोग्राम एक ही है। बायोटिन का मार्केटिंग इतना स्ट्रॉन्ग है कि अगर किसी बंदर को भी 4 घंटे इंटरनेट पे छोड़ दो तो वो भी बायोटिन ऑर्डर कर देगा। 4 घंटे में बंदर को लगने लगेगा कि उसके बाल और चमकीले और मजबूत होने चाहिए और उसे ये भी लगने लगेगा कि उसका हेयर लॉस हो रहा है और वो भी बायोटिन की कमी से। सप्लीमेंट उस मॉलिक्यूल का लिया जाता है जो आपकी बॉडी में कम है और जो आपके डाइट से पूरा नहीं हो पा रहा है, बट बायोटिन के साथ ऐसा नहीं है। बायोटिन का डेफिशिएंसी इतना रेयर है कि आज तक ऐसे किसी भी इंसान में बायोटिन डेफिशिएंसी नहीं पाया गया है जो रेगुलर खाना खाते हो, फिर चाहे वो वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन। बायोटिन डेफिशिएंसी इतना रेयर है कि आज तक मैंने एक भी पेशेंट को बायोटिन सप्लीमेंट सजेस्ट नहीं किया है, जबकि कम से कम 30,000 से ज्यादा प्रेस्क्रिप्शन लिख चुका हूं। अब बात करेंगे कि एडोन कैसे आपको बेस्ट ट्रीटमेंट देने में गाइड करेगा और आपके पैसे को बचाने में हेल्प करेगा। एडोन हेयर केयर नेक्स्ट वीक में 2 मेडिसिन लॉन्च कर रहा है, एडोन सिडिल फिनस्ट्रॉन्ग 2.5x और RCP कॉम्बिनेशन। दोनों ही मेडिसिन अपने एरिया में बेस्ट होगा। इतना ही नहीं, 1 महीने में रोटेशनल कॉन्सेप्ट पर बेस्ट हेयर मल्टीविटामिन भी आ जाएगा। है ना बेस्ट डील? ऐसे चैनल को आप मिस तो नहीं करना चाहेंगे, फिर फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। जहां तक रही बात पैसे बचाने की, तो www.addonwellness.com पर मिनोक्सिडिल फिनास्टोइड हेयर सप्लीमेंट, एंटी हेयर लॉस शैम्पू, एंटी डैंड्रफ शैम्पू का बेस्ट ब्रांड मैक्सिमम डिस्काउंट में अवेलेबल है और मिनोक्सिडिल के साथ LCLT और कैफीन भी फ्री में मिल रहा है। सो अब से हेयर के सारे मेडिसिन सिर्फ www.addonwellness.com से ही ऑर्डर करिए। लॉकडाउन में अगर हेयर या स्किन के कंसल्टेशन के बारे में सोच रहे हैं पर घर से बाहर निकलना मुश्किल लग रहा है तो आप मुझसे या डॉक्टर सत्यजीत सर से ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन भी ले सकते हैं, पर हाँ, ये सर्विस पेड है। लेकिन व्हाट्सएप कंसल्टेशन फ्री है, जहां आप अपने हेड का इमेज भेजेंगे तो उसे एनालाइज करके हमारी टीम आपको बेस्ट ट्रीटमेंट सजेस्ट करेगी। क्या है बायोटिन और हेयर में और हमारी बॉडी में ये क्या करता है और मार्केटिंग वालों ने इसका भूत क्यों खड़ा किया हुआ है? बायोटिन एक वाटर सोल्युबल विटामिन है। विटामिन 2 तरह के होते हैं, वाटर सोल्युबल जैसे विटामिन बी और सी, और दूसरा फैट सोल्युबल जैसे ADE और K। फैट सोल्युबल विटामिन बॉडी फैट में स्टोर होता है जबकि वाटर सोल्युबल विटामिन बॉडी में स्टोर नहीं होता है। यूज के बाद जो पोर्शन बच जाता है वो यूरिन या टॉयलेट से बॉडी के बाहर निकल जाता है। बायोटिन को विटामिन B7 या विटामिन H भी कहा जाता है। बायोटिन एग योक, मशरूम, राइस, डेयरी प्रोडक्ट, व्हीट, ओट्स, स्पिनच, नट्स, सीड्स, लीन मीट, सी फूड, बनाना, पीनट, स्वीट पोटैटो, लीवर, ब्रोकोली, ईस्ट, एवोकाडो में मिलता है। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में पाया जाने वाला बैक्टीरिया भी इसको काफी अच्छे अमाउंट में सिंथेसाइज करता है। कभी कभी किडनी भी बायोटिन सिंथेसाइज करता है। बायोटिन हमारी बॉडी में कई इंपॉर्टेंट काम करता है, जैसे नया ग्लूकोज बनाने में या ग्लूकोनियोजेनेसिस में, ब्रांच चेन अमाइनो एसिड के ब्रेकडाउन में, फैटी एसिड के सिंथेसिस में, स्किन, नेल और हेयर के हेल्थ को मेंटेन करने में। चूंकि ये हेयर के हेल्थ को मेंटेन करने में हेल्प करता है, इसी पॉइंट को बार बार आपको दिखाकर कंपनी वालों ने बायोटिन का भूत खड़ा किया है और आपको तरह तरह के बायोटिन बेच रहे हैं। यस, बायोटिन हेल्थ के हेयर को मेंटेन करता है, एक्सेप्टेड, पर हेयर के हेल्थ को मेंटेन करने के लिए जितना बायोटिन चाहिए उतना हमारे खाने में हमें मिल जाता है और बचा हुआ हमारी बॉडी में सिंथेसाइज भी हो जाता है। बाहर से सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं है। बायोटिन डेफिशिएंसी कुछ बहुत ही रेयर कंडीशन में होता है, जैसे अगर कोई इंसान हर दिन में 25 से 30 रॉ यानी कच्चा अंडा खाता हो, बट दिन में 25 से 30 कच्चा अंडा इंडिया में तो शायद ही कोई खाता होगा, क्योंकि एक वाइट में एविडिन नाम का एक प्रोटीन होता है जो बायोटिन को अपने साथ बांध लेता है
और बॉडी में अब्सॉर्ब नहीं होने देता है। दूसरा, अगर किसी इंसान को लंबे समय तक पैरेंटेरल रूट से मेडिसिन या सप्लीमेंट दिया जा रहा है उसमें भी बायोटिन की डेफिशिएंसी देखने को मिलता है। पैरेंटेरल रूट का मतलब ऐसी बीमारी जिसमें इंसान खाना नहीं खा पाते और उनको इंजेक्शन के थ्रू मेडिसिन और सप्लीमेंट दिया जाता है। तीसरा, कोई बहुत लंबे समय तक एंटीबायोटिक्स ले रहा हो जिसके कारण गट के बायोटिन सिंथेसाइज करने वाले बैक्टीरिया मर गए। चौथा, एक्सेस शराब पीने वाले और फीमेल स्मोकर में बायोटिन कम होता है पर डेफिशिएंसी नहीं होता है। आप देखेंगे कि ये सारे कंडीशन रेयर कंडीशन है, खाते पीते इंसान में बायोटिन डेफिशिएंसी कभी होता ही नहीं है। इंटरनेट और ई कॉमर्स साइट्स के इवोल्यूशन से कुछ ऐसी प्रजाति अब इस दुनिया में पाए जाते हैं जो अच्छे खाते पीते घर के होते हैं, हेल्दी होते हैं, जिनमें टेस्ट कराने पर बायोटिन डेफिशिएंसी कभी नहीं पाया जाता है। पर जैसे ही ये लोग फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, हेल्थ साइट्स, इंटरनेट पर जाते हैं, जिम जाने लगते हैं, बायोटिन के एड्स को देखकर इन्हें ऐसा लगने लगता है कि इनके बाल कम शाइनी है, कमजोर है, हेयर लॉस बायोटिन की कमी से हो रहा है, धीरे धीरे इन्हें अपने खाने और अपनी बॉडी मैकेनिज्म पर कम और बायोटिन के डब्बों पर ज्यादा भरोसा होने लग जाता है और फिर ये डब्बा का डब्बा 10,000 एमसीजी तक का टैबलेट खरीद कर खाने लग जाते हैं। ऐसे लोग ये लोग होते हैं जिनको टेस्ट कराने पर आपको कभी भी बायोटिन डेफिशिएंसी नहीं दिखेगा, पर आप इनके यूरिन का सैंपल टेस्ट करा लो, हमेशा बायोटिन एक्सेस अमाउंट में मिलेगा। इनके यूरिन को पीकर नाले में रहने वाले चूहे तक मोटे हो जाते हैं। कहीं आप भी उन लोगों में से तो नहीं है? आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि FSSAI या इंडियन गवर्नमेंट ने किसी भी हेल्थ सप्लीमेंट में 30 MCG या माइक्रोग्राम से ज्यादा के बायोटिन डोज को बैन कर दिया है, पर फिर भी मार्केट में 10,000 MCG या माइक्रोग्राम या 10 MG डोज का बायोटिन अवेलेबल है। ये कंपनियां आपको शाइनी स्ट्रॉन्ग हेयर का सपना दिखाकर आपको ऐसा प्रोडक्ट बेच रही है जिसकी आपको जरूरत ही नहीं है और गवर्नमेंट को ये बताते हैं कि ये बायोटिन नहीं बेच रहे हैं, ये सेसवानिया अगाती बेच रहे हैं जिसमें बायोटिन ज्यादा होता है। सर, आप बायोटिन बेचो या सेसवानिया अगाती, जब हमारे अंदर बायोटिन की कमी है ही नहीं तो आप ऐसे प्रोडक्ट क्यों बेच रहे हो? सिर्फ प्रॉफिट के लिए? कभी जनता की भलाई के बारे में भी सोचो। और अगर आपको यकीन नहीं आ रहा हो तो ऐसे 500 लोग अपना बायोटिन टेस्ट करा लीजिए जिन्होंने पिछले एक महीने से कोई सप्लीमेंट नहीं लिया है, किसी में भी बायोटिन डेफिशिएंसी मिल जाए तो 1,00,000 रुपए का कैश मेरी तरफ से। अब और कितने तरह से मैं आपको बताऊं कि बायोटिन सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है आपको। अगर सप्लीमेंट लेना ही है तो ऐसा सप्लीमेंट लीजिए जिसमें दूसरे मल्टीविटामिन्स, मिनरल्स, एसेंशियल अमीनो एसिड सब हो और साथ में 30 एमसीजी बायोटिन भी हो, आपका पूरा भला होगा, वो भी इतने ही कॉस्ट में अवेलेबल होता है। सो अब बायोटिन सप्लीमेंट बंद और कंप्लीट मल्टीविटामिन स्टार्ट, वो भी एक लिमिटेड समय के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर वेस्ट हेयर ट्रीटमेंट।